Hello, dear students. Welcome to our YouTube channel. Today, in this video, we will solve this sample paper. This is for class 9 mathematics and session 2021 22. And this is taken from mycvscguide.com app. You can download from there. So, let's see what is in the question paper. So, the first question is Every natural number is, so see, not a fraction, an irrational number, always a whole number, not a natural number, uh, not an integer. ओके, सो यू नो एवरी नेचुरल नंबर इज इज ऑलवेज अ होल नंबर ठीक है होल नंबर क्या होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन एंड नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन ठीक है तो सारे ही होल नंबर्स में नेचुरल नंबर तो आ ही जाएंगे सो इट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर ऑलवेज अ होल नंबर सेकेंड क्वेश्चन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो पांसेज थ्रू द पॉइंट वॉट तो देखिए इन दोनों का सम जीरो आ रहा है सो so, हम क्या करेंगे बारी बारी x को यहां पे वन भरेंगे और y को माइनस वन और ये जीरो आ रहा है आंसर की नहीं आ रहा है वो हम चेक कर लेंगे तो इन सभी ऑप्शन में ऐसे ही पुट करेंगे सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ओनली सी हेर एक्स को अगर मैं वन भरूँ और वाई को माइनस वन भरूँ तो बनेगा वन माइनस वन देट इज जीरो तो जीरो इज टू जीरो तो ये सेटिस्फाई हो गया सो इट मीज वन कॉमा माइनस वन दर्ड क्वेश्चन इज इन फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरल टू इच अदर फाइन द वैल्यू ऑफ एक्स सो देखिए ये दोनों लाइनें आपस में पैरल हैं हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है सो so, ये 120 डिग्री दिया है ये 140 दिया है ठीक है सो so, हम क्या करेंगे ए बी और सी डी के पैरल एक लाइन हम एक्स से खींच देंगे जो इन दोनों के पैरल होगी ठीक है तो ये लाइन हम खींच देंगे इस एंगल को सपोज करो हमने वन बोल दिया इस एंगल को टू बोल दिया ठीक है तो हमें वन प्लस टू निकालना है दैट इज़ एक्स सो देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं दिस इज ट्रांसवर्सल सो वन ट्वेंटी प्लस वन एंगल शुड बी वन एट्टी बिकॉज दिस आर को इंटीरियर एंगल्स सो वन एंगल सिक्सटी आ जाएगा वहाँ से तो एंगल वन तो सिक्सटी हो गया नाउ फ्रॉम हेयर एंगल ये 140 और ये एंगल 2 है ये दोनों ही को इंटीरियर एंगल हैं इनका सम होगा 180 तो ये 140 है तो ये 40 आ जाएगा ये एंगल 240 हो गया तो एंगल 1 प्लस टू टोटल 100 बन जाएगा ठीक है सो so, 100 ऑप्शन सो ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल सो सी है इक्वलिटल ट्राइंगल है जिसकी हर एक साइड जो है वो टेन 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 है और हमें इसकी हाइट निकालनी है ठीक है तो हम क्या करेंगे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और हमें ये प्रॉपर्टी पता है अगर हम ऑल्टीट्यूड uh, ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स से बेस के ऊपर तो वो बेस को बाईसेक्ट करता है मीन्स अगर टेन है तो फाइव फाइव में डिवाइड कर देगा तो यहाँ पे हमें ऑल्टीट्यूड एच निकालना है तो एच को हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस से फाइंड आउट कर सकते हैं तो इट मीन्स एच स्क्वेयर प्लस फाइव स्क्वेयर है ना देखो परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्र इजिकल टू हाई पोटोनिक्वेयर

नेक्स्ट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी देखिए जो रैशनल नंबर है ना उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पर यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकती इसने बोला क्या नहीं हो सकती तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकती थ्री कॉमा फोर लाइज ऑन दिस लाइन थ्री वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सेवन देन वट इज द वैल्यू ऑफ ए तो हम क्या करेंगे x की जगह थ्री भर देंगे यहाँ पर और y की जगह फोर भर देंगे a अपने आप आ जाएगा तो भर के देखते चलिए थ्री इन टू वाई वाई इज फोर इज इक्वल टू ए एक्स इज थ्री प्लस सेवन तो यहाँ बन गया ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री ए प्लस सेवन तो थ्री ए इज इक्वल टू ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो फाइव बचेगा सो ए इज़ फाइव ओवर थ्री आंसर आ जाएगा नेक्स्ट इज चलिए ये लिखा है टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम्स डाउनलोड माई सी बी एस सी गाइड डॉट कॉम ऐप सो इट प्रोवाइड्स सी है तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच एंगल ऑफ एन इक्वेटर ट्रायंगल इज ऑल यू नो सिक्सटी डिग्री नेक्स्ट इन अ ट्राइंगल एन एक्सटीरियर एंगल एट अ वर्टेक्स इज नाइन्टी फाइव डिग्री ये देखिए ये ट्राइंगल है एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो नाइनटी फाइव डिग्री है एंड वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होते हैं ठीक है इज 55 डिग्री तो फाइंड द अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ये निकालना है ठीक है तो आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता होगी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इनको बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल ये होता है इंटीरियर एक्जिसेंट एंगल इसके साथ का एंगल और ये दोनों होते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल तो इन दोनों के सम के बराबर होता है 95 तो 55 में क्या ऐड करें कि 95 आ जाए फोर्टी डिग्री ठीक है तो फोर्टी आंसर आ जाएगा नेक्स्ट इज सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस इज वॉट सो यहाँ पे आप साइन चेंज कर दो तो प्लस लगा दो यहाँ पे टू रूट टू प्लस रूट थ्री टू रूट टू प्लस रूट थ्री आ जाएगा ठीक है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्यों बोलते हैं क्योंकि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना तो हमारा आंसर आएगा रैशनल नंबर क्योंकि फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो अपने आप ही वो रैशनल नंबर बन जाता है इसलिए ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एग्जामिनेशन टेन स्टूडेंट्स स्कोर द फॉलोइंग मार्क्स सिक्सटी फिफ्टी एट 51 फिफ्टी वन फोर्टी सेवन एट्टी वन सेवनटी नाइन्टी फाइव सेवन नाइन्टी नाइन दैन द रेंज ऑफ द डाटा इज वॉट सो रेंज होती है हाइएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट तो चेक करो यहाँ पे हाइस्ट कितना है नाइन्टी नाइन आई सपोज ठीक है माइनस लोएस्ट कितना है फिफ्टी एट यहाँ फिफ्टी वन भी है आई थिंक 47 सेवन इज द लोएस्ट ठीक है तो 47 सेवन माइनस कर दो 52 आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट इज एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 एटी डिग्री एंड लेस देन 360 सिक्सटी डिग्री इज रिफ्लेक्स एंगल ठीक है नेक्स्ट इज एन एंगल हो गया गई तो ट्वेल्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इेशनल नंबर तो देखिए दो इरेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो Uh, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है हमारा आंसर या तो रैशनल आ सकता है या इरेशनल नंबर आ सकता है ठीक है देखिए कैसे अगर मैं रूट टू और रूट थ्री को मल्टीप्लाई करूँ तो रूट सिक्स आता है दैट इज़ अ इरेशनल नंबर और अगर रूट टू इंटू रूट टू करूँ तो आंसर टू आएगा दैट इज़ अ रैशनल तो इट मीन्स आंसर रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी सो इधर रैशनल और इरेशनल नंबर नेक्स्ट इज इफ टू पावर एक्स इज इक्ल टू फोर पावर वाई इज इकल टू एट पावर जेड एंड वन ओवर टू एक्स प्लस वन ओवर फोर वाई प्लस वन ओवर फोर जेड इज फोर देन वॉट इज एक्स तो यहाँ से हम चलेंगे देखिए टू पावर एक्स इज इक्वल टू फोर पावर वाई हम सबको ही टू बेस की फॉर्म में लिखेंगे तो फोर को लिखेगा टू पावर टू तो टू वाई बन जाएगा वाई इज ऑलरेडी देयर इज इक्ल टू एट को लिखेंगे टू पावर थ्री और जेड इज ऑलरेडी देयर तो ये बन गया फ्रॉम हेयर इफ यू कंपेयर द बेसिस इट मीन्स पावर्स विल बी इक्वल सो एक्स इज इकल टू टू वाई हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू थ्री जेड हो जाएगा क्योंकि बेस तो सेम है तो पावर्स भी इक्वल होंगी ठीक है तो यहाँ से हम क्या करेंगे इन दोनों को y और z को इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर लेंगे तो इट मीन्स y क्या बन जाएगा अगर x इज इक्ल टू टू वाई हो तो y क्या बन जाएगा x ओवर टू एंड x इज इक्ल टू थ्री जेड हो तो z क्या बन जाएगा x ओवर थ्री बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो इन दोनों का हम यूज कर लेंगे इस इक्वेशन में तो चलिए इस इक्वेशन में बढ़ते हैं वन ओवर टू एक्स इज ऑलरेडी एज इट इज प्लस वन ओवर फोर वाई अब वाई की वैल्यू कितनी है देखिए एक्स ओवर टू तो एक्स यहाँ पे और टू ऊपर चला जाएगा ठीक है प्लस वन ओवर फोर जेड जेड की वैल्यू एक्स ओवर थ्री है तो एक्स यहाँ पर देंगे और थ्री ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू फोर ठीक है फिर हम क्या करेंगे सबका एल्सियम ले लेंगे फोर एक्स

ठीक है यहां से बन जाएगा सिक्सटीन एक्स इज इक्वल टू सेवन ठीक है एंड एक्स इज सेवन ओवर सिक्सटीन आंसर आ जाएगा आपका नेक्स्ट इज इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज फोर्टी देन एंगल्स आर वॉट तो देखिए दो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम वन एटी डिग्री होता है ठीक है टू एंगल्स आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज़ 180 डिग्री तो देखिए 180 डिग्री सम हो और उनका बीच का फासला जो है जो वो 40 का हो वो आप चेक भी कर सकते हो और फाइंड आउट भी कर सकते हो आपकी मर्जी तो फटाफट तो यहाँ से चेक ही कर लो इन दोनों का सम 180 है पर इनका फासला 40 का नहीं है इन दोनों का सम 180 है बट इनका डिफरेंस 40 का नहीं है इन दोनों का सम 180 है डिफरेंस 40 का नहीं है इन दोनों का सम तो वन फो है पर डिफरेंस है 40 का बिल्कुल इनका डिफरेंस क्या बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन फोर्टी का डिफरेंस तो इनके बीच है नहीं इनके बीच भी नहीं है हाँ सॉरी इनके बीच है दिस इज द करेक्ट आंसर इनका सम भी वन एट्टी है एंड देयर डिफरेंस इज ऑल्सो फोर्टी डिग्री तो इट इज द आंसर फिफ्टींथ क्वेश्चन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरल टू वाई एक्सिस एक लाइन है बच्चों जो वाई एक्सिस के पैरल है एंड सेवन यूनिट लेफ्ट टू द ओरिजिन ओरिजिन के लेफ्ट में है सेवन यूनिट

क्वेश्चन दो टेंथ के लेवल का इसको भी छोड़ दो ठीक है टेंथ में करना है इसको नेक्स्ट इफ द एरिया ऑफ एन आइसोसलीज राइट एंगल ट्राइंगल इज एट सेंटीमीटर स्क्वेयर देन वॉट इज इट्स पैरीमीटर तो देखिए एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जो आइसोसेलिस है मींस राइट एंगल तो है पर दोनों बेस और परपेंडिकुलर इक्वल है ठीक है इसका एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पैरीमीटर निकालना है तो देखिए 8 सेंटीमीटर स्क्वायर अब मान लो ये साइड एक्स है तो ये भी एक्स होगी बिकॉज इक्वल है तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस

कर देंगे रूट थर्टी टू मीन्स टू इंटू टू इंटू फाइव टाइम्स कर देंगे ठीक है तो दो पेयर बाहर आ जाएंगे तो वो फोर बन जाएंगे बाहर आके और टू अंडर रूट रह जाएगा अंदर ठीक है तो फोर रूट टू बन गया तो इन तीनों साइड्स को ऐड कर दो फोर प्लस फोर एट हो गया एट प्लस फोर रूट टू ठीक है एट प्लस फोर रूट टू ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा देखिए एट प्लस फोर रूट टू चलिए तो अभी हम इसको भी हम रिजेक्ट uh, कर देंगे अभी इसको भी नहीं करेंगे ये भी वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए नाइनटीन करते हैं सीधा जाकर नाइनटीन्थ में बोलता है, बोलता है फिफ्थ रूट इसको बोलते हैं फिफ्थ रूट ऑफ सिक्स इन टू फिफ्थ रूट ऑफ सिक्स देखो तो दोनों को मल्टीप्लाई करा गया तो ऐसे में क्या होता है इनकी जो पावर है वो क्या है वन बाई फाइव वन बाई फाइव तो हम पावर को तो इसका मतलब होता है ऐसे सिक्स पावर वन बाय फाइव और इसका मतलब भी यही है सिक्स पावर वन बाय फाइव ठीक है तो ये बन जाएगा टोटल सिक्स इंटू सिक्स पावर वन बाय फाइव तो बन जाएगा थर्टी सिक्स पावर वन बाय फाइव ठीक है वन बाय फाइव मीन्स फिफ्थ रूट तो ऐसे आंसर आ जाएगा नेक्स्ट इस टू स्ट्रेट लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट वन अनदर एट पॉइंट ओ तो दो लाइने जो हैं दो ए बी एंड सी डी तो ये बना ही देते हैं हम ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ ठीक है ए ओ सी ए सी कहाँ ये एंगल प्लस सी ओ बी सी ओ बी ये एंगल प्लस बी ओ डी बी ओ डी ये एंगल इन तीनों का सम 274 है ठीक है हमें ए ओ डी ये एंगल निकालना है तो आपको पता है इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री ठीक है तो इन तीन का तो 274 है तो चौथा कैसे आएगा 360 से 274 माइनस कर दो ठीक है तो ये बन जाएगा 86 डिग्री ए ऑप्शन इज करेक्ट है सो दिस इज योर ए सेक्शन सो In the next video, we will be talking about the section B. So, if you need this section B, then please write in the chat box. Thank you so much.